जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं, मंडला फोर्ट नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा रेल लाइन के अंतिम रेल खंड में विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। चलिए आप लोगों को बताते हैं व इसके साथ ही लाइव कवरेज भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मंडला फोर्ट नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा रेल लाइन के अंतिम सिवनी चौराहे 33 किलोमीटर के सेक्शन का विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है व चौरे TSS ट्रैक्शन सब स्टेशन भी चार्ज हो चुका है। दोस्तों सिवनी चौरे सेक्शन में पहले ही इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया था, लेकिन सिवनी स्टेशन के आउटर रैक पॉइंट और स्टेशन के बीच में काम चल रहे थे, जिसके चलते ये सेक्शन लेट कंप्लीट हुआ। लेकिन इसके कंप्लीट होते ही अब मंडला फोर्ट नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा 182.25 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना पूरी तरह विद्युतीकृत इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है, जिसके केवल आखिरी सिवनी चौराहे 33 किलोमीटर के सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन इंस्पेक्शन होना बाकी है। वहीं इस सेक्शन में जल्द ही इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ाया जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का फाइनल इंस्पेक्शन, जो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के PC प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के द्वारा किया जाएगा। संभवतः ये इंस्पेक्शन अब इसे कुछ ही दिनों में किए जाएंगे। इंस्पेक्शन के डेट और शेड्यूल वगैरह फिक्स होते ही हम आप लोगों को अपने YouTube वीडियो के माध्यम से जरूरी अवगत कराएंगे। दोस्तों चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।